भीलवाड़ा में होने वाला अनूठा अन्नकूट महोत्सव इस वर्ष भी लगातार 55 वर्ष में बालाजी मार्केट बालाजी मंदिर में अत्यंत ही ठाट बाट से मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी तैयारियां आरंभ कर दी गई है। बालाजी मार्केट एसोसिएशन द्वारा संपूर्ण बालाजी मार्केट में स्वचालित आकर्षक विद्युत सज्जा कराई जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंगा के अनुसार अन्नकूट प्रसाद गोबर व पीली मिट्टी से निर्मित भट्टियों पर लकड़ियों द्वारा बनाया जाएगा। इसमें 100 हलवाइयों एवं सहयोगियों की टीम लगेगी, जो लगभग 31,000 किलो सब्जियां, 51 कट्टे चावल एवं 30 कट्टे चावलों के प्रसाद बनाएगी। मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने लोकवाणी को बताया कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तजनों के सहयोग से तैयार किए जाने वाले इस महाभोग को लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश सहित आसपास के गाँवों की मंडियों से भी सब्जियां मंगाई जाएगी। सब्जी काटने के लिए लगभग 70 जने एक दिन पूर्व ही इस कार्य में लग जाएंगे। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर हनुमान जी महाराज के सम्मुख गिरिराज स्वरूप चावलों का नैवेद्य धारा शाम 6 बजे महाआरती उपरांत भक्तों को कतारबद्ध प्रसाद वितरण किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले में होने वाला अनूठा अन्नकूट महोत्सव इस वर्ष बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा बुधवार तारीख 26/10/2022 को अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी संपूर्ण तैयारियां बजरंग मंदिर ट्रस्ट एवं बालाजी मंदिर के सभी भक्तों द्वारा आरंभ कर दी गई है। इस प्रसाद की विशेषता यह है कि यह प्रसाद गोबर पीली मिट्टी से निर्मित भट्टियों पर एवं लकड़ी पर ही प्रसाद का निर्माण होगा, जो भक्तों में वितरित किया जाएगा। प्रसाद की मात्रा लगभग 31,000 किलो सब्जी, मिश्रित सब्जी का प्रसाद, 51 कट्टे चावल, 31 कट्टे चावलों का प्रसाद मिश्रण कर सब्जियां और चावला अलग अलग दोनों में भक्तों को वितरित किया जाएगा। इसके पूर्व वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर हनुमान जी महाराज के सन्मुख गिरिराज स्वरूप चावलों का ढेर लगाकर नैवेद्य अर्पण कर महाआरती उपरांत 6:30 बजे से भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा, जो लगभग रात्रि 11 बजे तक चालू रहेगा। भक्तों को प्रसाद वितरण में पंक्तिबद्ध, कतारबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से वितरित हो, इसके लिए मंदिर के सभी भक्तगण एवं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। उक्त महोत्सव में सभी भक्त सह परिवार सादर आमंत्रित है। पंडित आशुतोष शर्मा।